हदीस मुबारका है, इज़ा अराबल्लाह बिअब्दिन खैरन इस्तअमलहू, अल्लाह ताला जब किसी बंदे के साथ खैर का इरादा करते हैं तो उसे इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको नेकी की तौफीक अता फरमा देते हैं। फकील, पूछने वालों ने पूछा, कैफ यस्तअमलहू या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको कैसे अल्लाह ताला इस्तेमाल फरमाते हैं? काल युवक्फिकहू लिअमलिन सालिहिन क़ब्लल मौत, अल्लाह ताला उसको मौत से पहले नेक आमाल की तौफीक अता फरमा देते हैं। इसकी सूरतें देखिए कि जो शख्स मिसवाक की पाबंदी करता है तो इस सुन्नत के फवायद में से एक ये है कि जब उसकी मौत का वक्त आता है तो मलकुल मौत आते हैं, उस बंदे को बता देते हैं कि तेरी मौत का वक्त करीब है, शैतान को मारकर दूर भगा देते हैं और उस बंदे को कलमा पढ़ना याद दिला देते हैं। अब सोचिए ये कितना बड़ा इनाम है कि मलकुल मौत शैतान बदबख्त को दूर भगा दे और बंदे को कलमा याद दिला दे। तो जो बंदा अल्लाह को पसंद होता है फिर अल्लाह ताला उसका अंजाम अच्छा कर देते हैं, उसको नेक आमाल की तौफीक दे देते हैं। चुनाचे एक बुजुर्ग थे लेकिन हमारे एक करीबी दोस्त के वो फादर इन ला थे, ससुर थे, उस वजह से इस आजिज को उनसे एक ताल्लुक था। बस उनकी एक चाहत थी, हर साल हज करना और रमजानुल मुबारक में मस्जिद नबवी के अंदर एतकाफ करना। ये दो बातें उनकी जिंदगी की खास तमन्ना थी और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी जिंदगी में 53 हज किए और इतनी ही दफा शायद एतकाफ भी किया होगा मस्जिद नबवी में। उनकी चाहत यही थी, जैसे होता है ना हर बंदे की एक तमन्ना होती है, बस तमन्ना यही थी। दुआ मांगते थे कि अल्लाह आखिरी वक्त में मुझे जन्नत बकी में दफन होने की सआदत अता फरमा दे। अल्लाह ने उनकी दुआ ऐसे कबूल की, हैरान होते हैं, रमजान मुबारक का महीना, आखिरी अशरा, एतकाफ की हालत में रियादुल जन्ना के अंदर बावजूद है, असर की नमाज की नियत बांधी है, जब दूसरी रकत के सजदे में गए तो रूह परवाज़ कर गई। अब बताएं कितनी सआदतें अल्लाह ने इकट्ठी फरमा दी। बावजूद मौत आना एक सआदत, फिर मस्जिद नबवी, फिर रमजानुल मुबारक, आखिरी अशरा, एतकाफ की हालत में, फिर रियादुल जन्ना के अंदर, फिर नमाज की कैफियत, और फिर सजदे की हालत में जब जाते हैं तो सजदे में रूह कब्ज़ होती है, सजदे से उठते नहीं, वहीं उनकी वफात हो जाती है, जनाजा हुआ, जन्नत बकी के अंदर दफन हो गया। तो जो बंदा अल्लाह को पसंद होता है फिर अल्लाह उसका अंजाम अच्छा कर देते हैं। हमारे शहर के एक साहब थे जो दुनियादार थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लोग उनकी अमीरी की मिसालें देते थे। अल्लाह की शान देखें, उनकी वालदा की वफात हुई तो उन्होंने इस आजिज को बुलाया कि जी आप रिश्तेदार जमा हैं, कुछ आकर नसीहत कर दें ताकि बच्चों की तवज्जो नेकी की तरफ हो जाए। हमने मौके को गनीमत समझा और हमने वहां पर मां के मकाम पर बात की ताकि उसको महसूस हो कि उसके सर से साया चला गया। अल्लाह ने उसके दिल को नरम कर दिया। बाद में वो मुझे मिले तो कहने लगे, हजरत आज मैंने 2-3 नियतें कर ली हैं। क्या? एक तो नियत मैंने कर ली है कि मैं चेहरे पे सुन्नत सजाऊंगा,
और दूसरी नियत कर ली है कि मैं हाफिज़े कुरान बनूंगा, और तीसरी नियत कर ली है मैं पाबंदी से नमाज पढ़ूंगा। हमने दुआ दी, बहुत अच्छा, लेकिन वाकई उसने अपने अल्फाज को पूरा कर दिखाया। उसके बाद उसकी जिंदगी की तरतीब ही बदल गई। पहले का इंसान कोई और था, अब ये इंसान बदल गए। इतना नमाज का उसने एहतमाम किया कि एक आलिम को उसने अपनी कंपनी में जॉब दी कि आपका काम है मैं सफर हजर जहां भी हूं वक्त पे मुझे जमात से नमाज पढ़ाएं। तो वो आलिम जमात करवाते और ये पीछे नमाज पढ़ता। चंद महीने इस तरह गुजरे। एक दिन असर की नमाज पढ़नी थी तो ये वुजू करके आए और सफ में खड़े हो गए और कहने लगे जी मैं इकामत कहता हूं। इकामत कहते कहते जब इन्होंने कहा अशहदु अन्न मुहम्मद रसूल अल्लाह, इतने अल्फाज कहे वहीं पर गिरे और मौत आ गई। जिंदगी देखो कैसे गुजरी, मगर सच्ची तौबा अल्लाह को पसंद आ गई। अल्लाह ने देखो कि मौत कैसी दी कि नमाज की इकामत कहते हुए कलमा पढ़ रहे हैं और इस दुनिया से जा रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी बंदे से खुश होते हैं तो उसको मौत के करीब ऐसी अच्छी मौत अता फरमा देते हैं, और जब किसी बंदे से नाराज होते हैं तो फिर उसको अल्लाह ताला बुरी मौत देते हैं। चुनांचे एक मरतबा एक इलाके में जाना हुआ, वहां एक वकील साहब से मुलाकात हुई। वो वकील साहब देहरिये थे, मिले तो कहने लगे जी कि मैं तो अल्लाह को नहीं मानता। हमने उसे समझाने की कोशिश की मगर वो समझने पर आमादा ही नहीं थे। कहने लगे जी जितने आप अल्लाह से डरते हैं मैं नहीं डरता। जब उसने ये अल्फाज कहे तो ये आज समझ गया कि ये जिद पर है, हमियत अल जाहिलिया, इस वक्त ये बात नहीं मानेगा। तो कहा कि अच्छा भाई अगर आप नहीं डरते तो फिर आप तैयार रहें, अल्लाह के अजाब का कोड़ा तो आएगा। कहते हैं देखी जाएगी। अल्लाह की शान देखें, 6 महीने नहीं गुजरे थे, उस वकील साहब को एक ऐसी बीमारी लगी, उबकाई आती थी, उसके मुंह से जो निकलता था उसमें से पखाने की बू आती थी। अल्लाह ने दुनिया में दिखा दिया जिस जुबान से तुम अपने मालिक की शान में गुस्ताखी करते हो, हम इस मुंह से अगर नेमतें खिला सकते हैं हम इसी मुंह से पखाना भी निकाल सकते हैं। मैंने एक डॉक्टर को बताया तो उसने बीमारी का नाम मुझे बताया कि हजरत इस बीमारी का यह नाम है, इसमें इंसान का सिस्टम इस तरह होता है कि मुंह से जो निकलता है उसमें पखाने की बू होती है। तो अगर इंसान बुरे आमाल करे तो फिर अल्लाह ताला उसको बुरी मौत दे देते हैं।